दोस्तों यूं तो हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में कई एक्टर हैं, लेकिन जब बात हो हैंडसम एक्टर की तो हर्षद चोपड़ा का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, जिन्होंने अपने करियर में कई पॉपुलर सीरियल में काम किया और कई अवार्ड अपने नाम किए। इस वीडियो में हर्षद चोपड़ा की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हर्षद चोपड़ा के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर्षद का रियल नेम हर्षद प्रकाश चोपड़ा है और निक नेम हर्ष है। हर्षद चोपड़ा का जन्म 17 मई 1983 को गोंडिया महाराष्ट्र में हुआ और 2022 के हिसाब से 39 ईयर्स के हैं। दोस्तों वैसे तो हर्षद पैदा मुंबई में हुए और स्कूलिंग भी मुंबई से की, लेकिन जब हर्षद 12th पास हो गए तब हर्षद अपनी फैमिली के साथ पुणे शिफ्ट हो गए और पुणे में रहकर कॉलेज की पढ़ाई की। इन्होंने PES मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, जिसके बाद हर्षद ने मॉडलिंग शुरू कर दी। अब बात करते हैं हर्षद चोपड़ा के करियर के बारे में। दोस्तों मॉडलिंग के दौरान इन्होंने 2006 में टीवी सीरियल ममता के लिए ऑडिशन दिया, जो कि हर्षद सिलेक्ट हो गए और सीरियल ममता में करण श्रीवास्तव का रोल प्ले किया और साथ ही साथ टीवी सीरीज लेफ्ट राइट लेफ्ट में नजर आए। और इसके बाद हर्षद ने सोनी टीवी के सीरियल अंबर धारा में काम किया और 2008 से लेकर 2010 तक हर्षद ने सीरियल किस देश में है मेरा दिल में काम किया और 2010 से 2011 तक हर्षद सीरियल तेरे लिए में नजर आए और 2011 में हर्षद ने टीवी सीरियल धर्मपत्नी में मोहन का किरदार निभाया और ऐसे ही 2012 में हर्षद ने दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भवा और 2014 में हम सफर सीरियल में काम किया, जिसके बाद हर्षद चोपड़ा 2017 में फिल्म 2016 दी एंड में नजर आए। फिर एक साल बाद यानी 2018 में हर्षद ने बेपनाह सीरियल में काम किया और इस सीरियल की वजह से भी हर्षद को काफी पहचान मिली और 3 साल बाद यानी 2021 से हर्षद पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर रहे हैं। दोस्तों हर्षद कई म्यूजिक वीडियो में भी दिख चुके हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना हर्षद चोपड़ा का कौन सा सीरियल आपका फेवरेट सीरियल है। चलिए मिलवाते हैं आपको हर्षद चोपड़ा की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है प्रकाश चोपड़ा। बात करें हर्षद की माँ के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हर्षद की माँ अब हमारे बीच नहीं है और इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है हर्षद चोपड़ा। वहीं बात करें हर्षद चोपड़ा की गर्लफ्रेंड के बारे में तो दोस्तों इंटरनेट पे ऐसे कई रूमर है कि हर्षद चोपड़ा की गर्लफ्रेंड प्रणाली राठौड़ है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि एक अच्छे दोस्त हैं। वहीं बात करें हर्षद चोपड़ा के हाउस के बारे में तो दोस्तों हर्षद चोपड़ा अपने फादर और सिस्टर के साथ मुंबई महाराष्ट्र के एक सुंदर से अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर में इनका अपार्टमेंट देख सकते हैं। वहीं बात करें हर्षद चोपड़ा के कार कलेक्शन के बारे में तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है हुंडई एसेंट जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है ऑडी Q3 जिसकी कीमत है 44 लाख रुपए और तीसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज जिसकी कीमत है दोस्तों 50 लाख रुपए। वहीं बात करें हर्षद चोपड़ा के इनकम के बारे में तो दोस्तों ये एक एपिसोड में काम करने के लिए 80 से 85 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और ज़्यादातर इनकी इनकम एडवर्टीजमेंट से होती है और एडवर्टीजमेंट करके ये लाखों रुपए कमा लेते हैं। वहीं बात करें हर्षद चोपड़ा के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 6 करोड़ रुपए। तो ये थी हर्षद चोपड़ा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।